दोस्तों, अनबॉक्सिंग करते हैं बिना किसी देरी के साथ। बहुत ही अच्छा जूता है क्योंकि पिछले साल लॉन्च हुआ था, जैसा कि आप बॉक्स में देख रहे होंगे, सिम्बा प्रो। पिछले साल इसने कैंपस ने लॉन्च किया था सिम्बा के नाम से, 1399 के प्राइस के साथ, 5 कलर के साथ लॉन्च किया था। बहुत हिट हुआ, बहुत अच्छा सेल दिया, रिटेल हो चाहे ऑनलाइन हो। इस समय ये देखिए सिम्बा प्रो के नाम से, इस समय इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी दिनों से हिट आर्टिकल है, साथ ही साथ ये बिल्कुल नया डिज़ाइन है। बाकी वीडियोस में, टॉप 10 के वीडियोस में मैंने इसको कई बार इंक्लूड किया है, हर क्वार्टरली जो वीडियो बनता है हम लोग का। आर्टिकल नेम देखिए सिम्बा प्रो, आर्टिकल नंबर 6G822, कलर जो है वो है टर्क्यू ब्लू पिस्ता कलर। MRP क्या है? 1649 रुपये। करते हैं हम लोग इसको। बॉक्स के अंदर एक नहीं दो पेयर मिलते हैं आपको, सॉरी दो शूज मिलते हैं, साथ में कैरी बैग मिलेगा आपको, ब्रांडिंग के लिए मिलता है कवर। बॉक्स को किनारे लगाते हैं। सबसे पहले इस जूते की ओवर लुक आप देखिए, कंप्लीट लुक 360 डिग्री में, ये देखिए। बैक साइड से देखिए, सोल देखिए, सोल के जो स्ट्रक्चर डिजाइन है, मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी बताया, बहुत अच्छा इसका डिजाइन दिया गया है जिगजैग लुक में। तो लुक वाइज तो मेरे हिसाब से 10 में 9 नंबर को इसको दिया जा सकता है। आइए सबसे पहले इसके अनबॉक्सिंग या रिव्यू करने से पहले इसका वेट कर लेते हैं कि ये कितने वेट का है। तो ये जूता है 590 ग्राम का, 590 ग्राम का होना लाजमी है क्योंकि फाइलोन सोल के साथ अगर कैंपस जूता बना रहा है तो 550 से लेके 590 ग्राम या 600 ग्राम तक के ही जूते इनके हमेशा रहते हैं। आइए सबसे पहले इसके हम लोग सोल के बारे में बात कर लेते हैं। सोल का जो मटेरियल यूज़ किया गया है, आप इधर से देखेंगे हाइट, इसकी लेंथ जो है मोटाई वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, और मोटाई यहाँ से आप देखेंगे पूरा मोटाई और ऊंची होनी भी चाहिए ताकि आप अगर 10 से 12 घंटे अगर जूते पहन रहे हैं तो ये जितना मोटा होगा और जितना अच्छा इंसोल होगा, इंसोल के में बड़ी डिटेल देखने क्या है, उतना कंफर्ट आपको मिलेगा, एड़ी उससे दर्द बिल्कुल नहीं होगा। साथ में ये ईवा यूज किया गया है, ईवा कंपोजिट होता है, उसको यूज करके जूते बनाए जाते हैं ताकि जूते काफ़ी लाइट वेटेड रहें और वजन अच्छे से उसको हैंडल किया जा सके। साथ में अगर फाइलोन लग जाता है, ये जो मटेरियल है ये फाइलोन बोलते हैं इसको, अगर ये लग जाता है तो सोने सुहागा हो जाता है, सूज की लाइफ 2-3 साल बढ़ जाती है। और इसकी जो कटिंग है, सोल की कटिंग बहुत ही निर्भर करता है, जैसे कि प्लेटियो एक आर्टिकल इंक आया है उसमें सोल साइड से आप देखेंगे तो थोड़ा ऊपर दिया गया है। तो आइए इसके इंसोल के बारे में बात कर लेते हैं। इंसोल आजकल ये स्टिक करके देने लगे हैं तो निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, निकालना चाहेंगे तो पूरे जूते को उखाड़ देंगे। फिलहाल इंसोल इसका बहुत ही अच्छा दिया गया है, जो इनका दो टाइप का इंसोल होता है, जैसे इसमें देखिए मेमोरी टेक लाइट, एक मेमोरी टेक होता है, इसमें लाइट लिखा है यानी थोड़ा लाइट होगा वेट का हिसाब से। और इसका वेट हम लोग अगर करें सिर्फ इंसोल की वेट कर लें 16 ग्राम, यानी दोनों जूते में 30 ग्राम का इंसोल है, और जो मेमोरी टेक होता है जिसमें लाइट नहीं लिखा होता वो 5 ग्राम ज़्यादा होता है। इसका जो मटेरियल यूज किया गया है बहुत ही स्लीक, बहुत ही अच्छा, मतलब पसीने वगैरह सोखेंगे आप सॉक्स, बिना सॉक्स के भी अगर जूते पहनते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा जूते हमेशा सॉक्स के साथ ही पहनिए, उससे क्या होता है जो बदबू आता है जूतों में वो नहीं आएगा। अगर आपका बदबू पैर बहुत करता है या पसीना बहुत आता है तो जॉकी का एक आर्टिकल आता है 70-36, वो सॉक्स आप यूज़ करिए तो आपके पसीने वाली प्रॉब्लम 90% सॉल्व हो जाएगी। पीछे से भी देखिए पूरा नेट यूज किया गया, अंदर फोम लगाया गया है, काफ़ी मतलब मजबूत फोम है, मतलब ये जो दिया गया है इंसोल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। अंदर से इसकी स्टिचिंग देखते हैं हम लोग, स्टिचिंग फिलहाल नो डाउट बहुत अच्छा हुआ है, काफ़ी अच्छी स्टिचिंग करके देते हैं। पेस्टिंग कैंपस में हमेशा जो इशू आता है वो कलर का आता है, जो ये काफ़ी कलाकारी करने लगते हैं कि यहाँ पे मैनुअली पेंटिंग कर दी है, वो ना किया करें, तो इसमें तो कोई इशू आएगा ही नहीं। सोल पे कभी आज तक इशू नहीं आया है, अगर आपने जेन्युइन कैंपस सूज लिया है तो, जेन्युइन नहीं लिया है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब इसके अपर की बात कर लेते हैं। अपर मटेरियल नेट दिया गया है, काफ़ी सॉफ्ट नेट है, मटेरियल जो यूज किया गया है ये देखिए, नीचे से फोम लगाया गया है, फिर उसके ऊपर से लेयर एक नेट का दिया गया है,
ताकि ब्रीदेबल रहे और साथ साथ में मजबूत भी रहे। साइड में आप देखिए यहाँ रेक्सिन यूज किया गया है, यहाँ पे भी यूज किया गया है ताकि एक मजबूती बना रखे। ये डिजाइन के लिए दिया गया है, यहाँ पे रेक्सिन ही यूज किया गया है, पीछे भी रेक्सिन यूज किया गया है, एक लुक आ जा रहा है इससे और साथ साथ में मजबूती भी दे रहा है। ये बहुत ही एक काम की चीज़ होती है, जूते पहनने के काम में आता है। आइए इसके टंग के बारे में बात कर लेते हैं। टंग भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी दिया गया है, जैसे इनका दिया जाता है। यहाँ इसके साइजिंग होती है यूके साइज, यूएसए साइज और यूरो साइज। 8 नंबर का जूता हम लोग अनबॉक्स कर रहे हैं। इसकी जो रिबन है, रिबन देखिए बिल्कुल अलग दिया गया है। जैसे कि नॉर्मल रिबन एक कलर के होते थे और थोड़े मोटे होते थे, वुलन टाइप का होता था, लेकिन ये बिल्कुल नायलोन टाइप का दिया गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। पतले में दिया गया जैसे स्निकर्स वगैरह में यूज होते हैं, तो ये क्वालिटी इसमें दी गई है, अच्छी लग रहा है। यहाँ भी इसकी ब्रांडिंग दी गई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जूता बहुत ही अच्छा है और इसकी प्राइसिंग जैसे 1649 है, 20% डिस्काउंट आपको मिलना ही मिलना है। 20% के साथ काफ़ी अच्छे प्राइसिंग आ जाएगी, 1400 समथिंग आ जाएगा। तो 1400 में एक बहुत ही बेहतरीन जूता आपको मिल रहा है कैंपस की ओर से। सबसे बड़ी बात, आपने जो ऑनलाइन परचेस किया है या रिटेल से भी परचेस किया है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन जो परचेस किया है वो ओरिजिनल है या नहीं? उसके लिए सिंपली ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे QR कोड है और यहाँ पे एक ऐप भी है, ओरिजिनल फॉर श्योर ऐप होता है, उससे आप स्कैन करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है कि नहीं। अगर आप उसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है तो आप आई बटन पे देखेंगे, उसका लिंक है, वहाँ जाके देखिए कि कैसे चेक किया जाता है कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं। तो होप सिम्बा प्रो की अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो में कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसको नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।